नमस्कार। आज हम हमारे वैदिक मैथ्स का एक मुख्य सूत्र ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम का यूज करके मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ऊर्ध्व यानी वर्टिकल एंड तिर्यक यानी क्रॉस, मींस ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम यानी वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन। हाँ, वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करके हम जनरल फॉर्मेट में देखेंगे कि कोई भी डिजिट दिए जाए उसका मल्टीप्लीकेशन कोई भी नंबर के डिजिट के साथ किस तरह से करना। ये जो मेथड है फ्रेंड्स, ये कोई 11 या 101 या 111 या 99 ऐसे पर्टिकुलर कोई डिजिट के लिए नहीं है, बट ये मेथड कोई भी नंबर का डिजिट हो और कितने भी नंबर का डिजिट हो उसके लिए है, और इसमें एक ही लाइन में आंसर आ जाता है। ये जनरल फॉर्मेट ऑफ द मल्टीप्लीकेशन, जनरल मेथड ऑफ द मल्टीप्लीकेशन है, और ये जनरल इक्वेशन ऑफ द मल्टीप्लीकेशन का है। मींस इससे कितने भी डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, उसका मल्टीप्लीकेशन सिर्फ एक ही लाइन में माइंड में कैलकुलेट करके आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं। तो समझ ले, 21 का 33 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे वर्ड है ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व यानी वर्टिकली, पहले हम वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे पहले यूनिट साइड से शुरुआत करेंगे, 1 × 3, 3। ओके, नेक्स्ट है तिर्यक। तिर्यक यानी क्रॉसवाइज मल्टीप्लीकेशन और सबका प्लस। यहां पर अगर हम क्रॉस वाइज देख लेते हैं तो यहां पे क्रॉस आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ मीन्स 2 × 3, 6, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ तो 1 × 3, 3। उन दोनों का प्लस कर दो, किसका किया हमने 2 × 3, 6 इसका, फिर 1 × 3, 3। ये जो क्रॉस लगा उसका एडिशन कर दो, मीन्स 3 + 6, 9। तो यहां पे क्या आया 9। फिर से ऊर्ध्व, यहां पे यूनिट का ऊर्ध्व, यूनिट में जो ऊर्ध्व है मींस वर्टिकल है 1 और 3, उसका किया, फिर क्रॉस किया। अभी ये टेंस वाले का मल्टीप्लाई 2 × 3, 6, ये हमारा आंसर हो गया। यहां पे हमारे जो रेगुलर मेथड है गौमूत्री का मेथड, जो हम 0 लगाकर करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। एक और देखते हैं, समझ लें, 22 का मल्टीप्लीकेशन 31 के साथ करना है। तो पहले 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, 2 × 1, 2, ये वर्टिकल हमने देखा। फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन इस 1 के साथ क्रॉस में, यहां पे ये क्रॉस 2 × 1, 2। फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ मींस 2 × 3, 6, 6 × 2, 8, और 2 का मल्टीप्लीकेशन इस 3 के साथ फिर से ऊर्ध्व 2 × 3, 6। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। इन शॉर्ट, हम अगर डॉट फॉर्मेट में इसको लिखकर और मल्टीप्लीकेशन समझे कि समझो इस तरह से मल्टीप्लीकेशन हो मीन्स डिजिट हो, तो पहले स्टेप है कि जो ये यूनिट फिगर है उसका मल्टीप्लीकेशन करने का, यूनिट फिगर। फिर ये जो क्रॉस में मीन्स इसका और इसका मल्टीप्लाई करने का और उसका प्लस करने का, और उसके बाद ये जो वर्टिकल है मीन्स टेंस फिगर उसका मल्टीप्लाई, मीन्स यूनिट फिगर, क्रॉस और टेंस फिगर, इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। एक और डिजिट देखते हैं, समझ ले, 51 का मल्टीप्लाई 19 के साथ करना है। 51 का मल्टीप्लाई 19 के साथ, तो पहले ऊर्ध्व 1 × 9, 9। ओके, अभी तिर्यक। तिर्यक यानी त्रासु, त्रासा मीन्स क्रॉस। 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई अगर 9 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 45, 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 के साथ करेंगे तो क्या आया 1, 45 एंड 1, 46। 46 में हम यूनिट फिगर ही रखेंगे, जब तक लास्ट स्टेप ना आए तब तक आपको यूनिट फिगर ही लगाना है। ओके, तो 46 का 6 लगाया,
फोर हमारी कैरी फॉरवर्ड हुई कहां पे? लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप क्या है? जो टेंस फिगर है उसका मल्टीप्लाई। टेंस फिगर में है 5 into 1, 5 ones are 5 और कैरी कितनी है? 4। 5 ones are 5 and 4 9। तो ये हमारा आंसर हो गया 969। समझ गए फ्रेंड्स, 56 का मल्टीप्लाई 73 के साथ करना है। तो पहले ऊर्ध्व 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 6 3 18 का 8, 1 कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप क्रॉस में मल्टीप्लाई, मीन्स 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 5 3 15। 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 6 7 42। 42 and 15 57 और 6 3 18 की 1 कैरी, मीन्स 57 and 1 58। 58 का 8 फिर से 5 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 35 and 5 40। ये हमारा आंसर हो गया। ओनली वन लाइन आंसर, एक ही लाइन में आपको आंसर लाना है, ओनली इन वन लाइन। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ ले 84 का मल्टीप्लाई 29 के साथ करना है। तो पहले 4 into 9 करेंगे तो क्या आएगा? 36 का 6 लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड। फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई, मीन्स 8 into 9 72। फिर 4 into 2 8, मीन्स कितना आया प्लस उसका 80। और उसमें ये 3 कैरी फॉरवर्ड ऐड करें तो क्या हुआ? 83 का हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, 8 कहां पे जाएगा? कैरी फॉरवर्ड। और लास्ट स्टेप 8 into 2 16, उसमें ये 8 को हम ऐड करें तो कितना आया? 24। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन होगा कि भाई दो दो डिजिट हो तो ये हो सकता है कि तीन हो तो इनफाइनाइट डिजिट हो उसका मल्टीप्लीकेशन इस ऊर्ध्व तिर्यग्भ्याम मेथड से हो सकता है। तो थ्री डिजिट वाला हम देखते हैं। अभी फ्रेंड्स समझ ले कि थ्री डिजिट हो, मींस ऊपर और नीचे थ्री डिजिट हो, मतलब कि 231 का मल्टीप्लीकेशन 104 के साथ अगर करना है, तो इस तरह से ऊपर और नीचे थ्री डिजिट हो तो पहले क्या करना है? तो पहले जो यूनिट फिगर है उसका मल्टीप्लाई करने का, किसका मल्टीप्लाई करने का? यूनिट फिगर, मतलब 1 into 4 4। ओके, फिर दो डिजिट का मल्टीप्लाई जो है हमने आगे किया था भाई, क्रॉस में मल्टीप्लाई, मीन्स 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, उन दोनों का प्लस। 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 12, 12 और 0 12, 12 का हमने 2 रखा, 1 कैरी फॉरवर्ड। ओके, अभी फ्रेंड्स तीसरा स्टेप है, यहां पे समझो दो स्टेप हमने लिए, पहला ये 1 into 4, फिर हमने क्रॉस किए। तीसरे में क्या करना है? ये फर्स्ट डिजिट मीन्स अपर साइड को, अपर साइड जो डिजिट है उसमें राइट साइड मूव होना है, किस साइड? राइट साइड। और लोअर साइड में लेफ्ट साइड मूव होना है, अपर में राइट लोअर में लेफ्ट। मीन्स अपर का आपने ये लास्ट डिजिट लिया 100 के प्लेस का, तो लोअर का आपको ये यूनिट प्लेस लेना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। अभी आप राइट हैंड साइड में अपर साइड मूव करोगे तो कहां होगे? यहां पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई। मीन्स राइट हैंड साइड में आप आगे इस साइड जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में आप यहां से यहां आए। ओके, अभी इस तीनों का मल्टीप्लाई, मीन्स 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 4 8, फिर 2 से हम आगे बढ़े तो क्या है? 3, 4 से आगे बढ़े तो क्या है? 0। तो 3 और 0 का मल्टीप्लाई, 3 0 0, 2 4 8, 3 0 0। अभी 3 से आगे बढ़े तो 1 और 0 से आगे बढ़े तो 1, 1 1 1, तीनों का मल्टीप्लाई प्लस करें तो क्या आया? 9। तीनों का प्लस क्या आया? 9। आगे की एक कैरी फॉरवर्ड थी, 1 कैरी फॉरवर्ड था, तो 9 and 1 10 का 0, फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड। ओके, फोर्थ स्टेप, यहां पे जैसे दो डिजिट थे तो हमने कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया? अभी तीनों खत्म हो गए तो लास्ट के दो डिजिट लेने, मतलब यहां से इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 0 के साथ और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 0 0, 3 1 3, 3 और 0 3, 1 कैरी फॉरवर्ड, मीन्स 3 and 1 4। और लास्ट में
इस टेंस डिजिट का 100 की प्लेस का जो डिजिट है उसका मल्टीप्लाई, मीन्स 2 1s are 2। तो इस तरह से फ्रेंड्स कोई भी नंबर के डिजिट का मल्टीप्लाई हो सकता है। 3 डिजिट के नंबर हो तब क्या करना है फिर से देख लेते हैं। पहले यूनिट का मीन्स एक ही उर्ध्व, फिर तिर्यक 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 उर्ध्व उर्ध्व तिर्यक भ्यां वर्टिकली एंड क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन। ओके पहले हमने 1 × 4 किया, फिर 3 × 4 1 × 0 उसका मल्टीप्लाई किया और प्लस किया, फिर 2 × 4 3 × 0 और 1 × 1 किया फिर प्लस किया, फिर 2 × 0 3 × 1 वो किया और उसका प्लस किया और 2 × 1 का मल्टीप्लाई किया और लिखा। एक और डिजिट लेते हैं समझ में, 3 4 5 मल्टीप्लाई में 1 8 9 इसका मल्टीप्लाई करना है। तो बड़ा डिजिट है कैरी फॉरवर्ड आएगी, एक डिजिट रखेंगे बाकी में आगे जाएंगे। 5 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, पहला है 5 × 9 वर्टिकल, 5 9s are 45 का 5 लिया 4 कैरी फॉरवर्ड, फिर क्रॉस 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ और 5 का मल्टीप्लाई 8 के साथ, 4 9s are 36 5 9s are 40 कितना आया 76 और कैरी फॉरवर्ड कितना था 5 9s are 45 की 4 कैरी फॉरवर्ड थी मतलब कितना आया 80 का हमने 0 रखा 8 कैरी फॉरवर्ड। थर्ड स्टेप ऊपर राइट हैंड साइड से शुरू करना है तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड, 3 का मल्टीप्लाई 9 के साथ 27, 4 का मल्टीप्लाई 8 के साथ 32 मीन्स 27 32 और 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ मीन्स 5। इन तीनों का प्लस करें 7 + 2 9 9 + 5 14 का 4 1 कैरी, 3 + 2 5 1 6 कैरी कितनी है 8, इसमें अगर 8 ऐड करें तो कितना आया 72 उसका 2 रखा 7 कैरी। अभी फिर से 3 × 2 3 × 8 पहले हमने 1 स्टेप लिया फिर 2 डिजिट लिए फिर 3 डिजिट लिए फिर से 2 डिजिट और फिर से 1 डिजिट मींस 1 2 3 2 1 इस तरह से आपको आगे बढ़ना है जैसे माउंटेन चलते हैं 1 2 3 2 1। अभी 3 × 8 24 4 × 1 4 24 and 4 28 28 and 7 35 35 का 5 3 कैरी और लास्ट में सिंगल डिजिट 3 × 1 3 3 3 3 एंड कैरी कितनी थी 3 3 + 3 6 तो ये हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स कहीं पे भी आपको हमारी जो गौमूत्र का मेथड के मुताबिक वो 0 लगाना फिर से 2 बार 0 लगाना वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइंड में कैलकुलेट करते जाओ कैरी फॉरवर्ड को याद रखते जाओ तो ये कुछ लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है। ओनली इन 1 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। एक और डिजिट देखते हैं समझ ले, 38 का मल्टीप्लाई 9 5 3 के साथ करना है तो यहां पे तो 2 डिजिट और 3 डिजिट आ गए तब क्या करने का। तो फ्रेंड्स 2 डिजिट जहां है वहां पे 0 लगा दो, 3 डिजिट हो गए मीन्स 3 डिजिट के साथ 3 डिजिट हो गए। अब हमने जो किया था वही प्रोसेस, पहले हम क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे, 8 × 3 8 3 = 34 का 4 2 कैरी याद रखो 2 याद रखना है सिर्फ, फिर 3 × 3 और 8 × 5 क्रॉस में मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 8 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 40 40 and 9 49 और कैरी फॉरवर्ड कितनी थी 2 8 3 = 24 की 2 49 and 2 51 का 1 5 कैरी याद रखनी है 5 याद रखो सिंपल। अभी 0 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर राइट हैंड साइड से शुरुआत करो नीचे लेफ्ट हैंड साइड से मतलब 0 और 2 3 0 0 से हम राइट साइड मूव करें तो क्या आया 3, यहां पे लेफ्ट साइड मूव करें तो क्या आया 5 मीन्स 3 5s are 15 15 और 0 15 8 9s are 72 72 and 15 72 में 5 ऐड करो 77 उसमें 10 ऐड करो 87 और 5 कैरी फॉरवर्ड मीन्स 92 का 2 9 कैरी 9 याद रखो। अभी फिर से क्रॉस 0 का 5 के साथ 3 का 9 के साथ 0 × 5 5 3 9s are 27 27 and 9 कैरी फॉरवर्ड 27 and 9 36 का 6 3 कैरी
जीरो इंटू नाइन जीरो, जीरो इंटू नाइन जीरो एंड कैरी फॉरवर्ड कितने थे थ्री, मीन्स थ्री। तो ये हमारा वन लाइन में आंसर हो गया। मीन्स टू और थ्री डिजिट हो या कोई भी डिजिट हो, फोर एंड फाइव हो, सिक्स और थ्री हो, तो उसके मुताबिक हम जीरो लगाकर आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे ये पूरे का पूरा आंसर हमारा वन लाइन में आया विद द हेल्प ऑफ ऊर्ध्वतिर्यग्भ्याम सूत्र। ये मेरे सर कौशिक भाई पारेख ने ही हम सबको सिखाया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।